नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज जालौन। अवैध अंग्रेजी शराब, डीसीएम तथा हुंडई गाड़ी के साथ तीन अभियुक्त पुलिस के हत्थे चढ़े। जालौन कैलिया एसओजी सर्विलांस एवं थाना कैलिया थानाध्यक्ष रामप्रकाश पुलिस फोर्स के साथ चेकिंग अभियान पर थे, तभी उन्हें सूचना मिली कि भारी मात्रा में शराब गाड़ियों में भरकर आ रही है। पुलिस ने घेराबंदी कर एक डीसीएम एक हुंडई गाड़ी पकड़कर थाने ले आई। क्षेत्राधिकारी राम सिंह ने खुलासा करते हुए बताया कि पंजाब प्रांत निर्मित 351 पेटी अंग्रेजी शराब, जिसकी अनुमानित कीमत 26,00,000-26,00,000 रुपए अशोका लीलैंड डीसीएम नंबर PB65 है, J9518, अनुमानित कीमत रात के 11:50 23,50,000 रुपए काले रंग की हुंडई वरना गाड़ी बिना नंबर, अनुमानित कीमत 15,50,000 रुपए 15,50,000 रुपए के साथ 02 शातिर अंतर्राज्यीय शराब तस्करों राजीव सिंह संधू पुत्र चेतन सिंह निवासी पंजाब प्रांत, सतीश कुमार पुत्र वीरभान निवासी गुड़गांव हरियाणा व 01 गाड़ी चालक अभियुक्त मोहन सिंह पुत्र शंकर सिंह निवासी हिमाचल प्रदेश को भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब एवं एक डीसीएम व एक हुंडई वरना गाड़ी, कुल बरामदगी अनुमानित कीमत करीब 65,00,000 रुपए के साथ गिरफ्तार कर लिया है। कैलिया पुलिस ने अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 55/23 धारा 60/63/72 आबकारी अधिनियम तथा 207 एमवी एक्ट में गाड़ी सीज कर दी। गिरफ्तार अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया। कुछ दिन पूर्व पुलिस अधीक्षक जालौन डॉक्टर ईरा राजा ने बालिश सेट पर समस्त अधीनस्थों को नसीहत दी थी कि पुलिस अपनी कार्यशैली में बदलाव लाए, तो क्या इससे पूर्व भी यहां से अवैध शराब की निकासी धड़ल्ले से चल रहा थी क्या? क्योंकि मध्य प्रदेश कुछ आरोपी पकड़े गए हैं, सर क्या है पूरा मामला? ये 17 जून 2023 के को मध्य के सूचना पे एसओजी सर्विलांस और थाना कैलिया द्वारा चलाए, जिसमें सलैया बॉर्डर है कैलिया से साथ, वहाँ से डीसीएम तक एक वरना गाड़ी कुल कीमत लगभग 65,00,000 के बराबर की हुई। इसमें तीन अभियुक्त पकड़े गए, जिनमें से एक का नाम राजीव सिंह संधू पुत्र चेतन सिंह है, ये मोहाली के रहने वाले हैं। इनके ऊपर एक मुकदमा पहले से पंजीकृत है जो कि सोनभद्र में पंजीकृत किया गया था पहली बार 2023 में। इसमें वांछित चल रहे हैं, इसमें लगभग 1,000 पेटी शराब बरामद की। दूसरा अभियुक्त जो है वो सतीश कुमार है, तो वीरभान सिंह गुड़गांव का निवासी, इसके ऊपर लगभग 4 मुकदमे पंजीकृत है। तीसरा डीसीएम चालक मोहन सिंह है, ये सोलन हिमाचल प्रदेश के रहने वाले थे। इन तीनों के पास से जो बरामदगी हुई है वो अवैध अंग्रेजी शराब है और डीसीएम ट्रक है। सर कहाँ से कहाँ ले जा रहे थे और कहाँ पर सेल करते थे? ये पंजाब से बिहार इनका सप्लाई रूट था, जो बिहार प्रबंधित है शराब, इसलिए इसको फॉलो कर। सर कोई इनाम इन पकड़ने वाली टीम को? जी, उच्च अधिकारियों को इसकी रिपोर्ट प्रेषित कर दी जाएगी, जैसा भी उचित होगा बताया जाएगा। सर ये अपराधी कब से ये व्यापार कर रहे हैं? अभी ये पूछताछ का विषय है, हम लगातार इनसे पूछताछ कर रहे हैं। जो भी आगे सूचना मिलेगी हम आपके साथ शेयर।